सिंगरौली में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जमीन विवाद निवारण शिविर का आयोजन किया, जिसमें विवादित जमीनी प्रकरण को आपसी समझौते के साथ सुलझाया गया। सिंगरौली के सभी थाना परिसरों में पुलिस, राजस्व अधिकारियों और पटवारियों की उपस्थिति में जमीनी विवाद निवारण शिविर लगाया गया। शिविर में जमीन से जुड़े विवाद के दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे, जिसके बाद वर्षों से चले आ रहे जमीन विवाद को आपसी समझौते के साथ निराकरण किया गया। बैढ़न कोतवाली थाना परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, SDM ऋषि पवार, CSP और थाना प्रभारी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आपसी निपटारे के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए निराकरण किया गया। खेत हमारे हिस्से का हमारा भाई जबरदस्ती जोतेगा, नोटिस लेंगे। किसके किसके बीच विवाद है? लाल जी, गजरीनाथ, रामदत्त होते हैं, उनके निराकरण के लिए जो विभिन्न स्तरों पर फोरम बनाए गए हैं, लेकिन पिछले कुछ जो कोविड के कारण उनका आयोजन नहीं हो सका है। तो एक जो SP साहब ने काफ़ी अच्छा एक माध्यम आज यहाँ प्रदाय किया है, जिसके अंतर्गत जो जितने भी तरीके के जमीनी विवाद होते हैं उनके निराकरण के लिए जो राजस्व और पुलिस का जो समन्वय होता है, उसके उससे जो यहाँ फरियादी उपस्थित हुए उनको निश्चित रूप से यहाँ लाभ मिलेगा। अन्य जिले के अन्य जगहों पर भी इस तरीके शिविर लगाए गए हैं, जिससे कि जो जमीनी विवाद के कारण जो अन्य अपराध घटित होते हैं उनकी संख्या में कमी आएगी और यहाँ एक लोगों को एक मौका मिलेगा जिसमें कि वो अपनी बात को जो एक परस्पर जो समन्वय होता है जो राजस्व का और जो उसके मध्य वो रख सकेंगे और अपनी जो पुराने भी मामले उनका निराकरण करा। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।